ये देखिए दोस्तों, ये भागे स्पॉटेड डियर, और ये एक और इधर की साइड है, ये देखिए, और दो हैं अंदर की साइड। तो दोस्त इसे ये देखिए, ढेला गेट चिरना जोन टूरिस्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड, और मैं आपका दोस्त एंड दोस्त अभिषेक कुमार, और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। तो दोस्तों, इस समय हम आज आपको लेके जाएंगे, इस समय हम हैं ढेला जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये है सारा बफर एरिया। अभी हम खड़े बफर एरिया में, और यहाँ से निकल के जाएंगे ढेला जोन के मेन एंट्री गेट तक। तो दिखाते हैं रास्ते में जो भी जंगल पड़ेगा, और इधर की साइड क्या है वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट। तो दोस्तों, इधर की साइड बोर्ड लगा है, ये बाघ बहुमूल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गाड़ी पार्क करना, गाड़ी से उतरना, खाद्य सामग्री फेंकना एवं जानवरों को छेड़छाड़ दंडनीय अपराध है। ये देखिए, और इधर की साइड टाइगर का बोर्ड भी लगा है, डोंट लीव योर लेटर फॉर लेटर। तो दोस्तों, बाकी सारा ये एरिया आप देख ही सकते हैं, और इधर की साइड से अभी स्पॉटेड डियर निकल के गए थे, तो वो आपको वीडियो भी दिखाते हैं। जैसे ही हम आए यहाँ से, स्पॉटेड डियर क्रॉस करके गए आगे ऊपर घने जंगल में। ये देखिए इधर की साइड, ये जो ऊपर की साइड एरिया दिखाई दे रहा है, यहीं क्रॉस करके निकल गए। ये देखिए दोस्तों, ये भागे स्पॉटेड डियर, और ये एक और इधर की साइड है, ये देखिए, और दो हैं अंदर की साइड। तो दोस्तों, ये काफ़ी अलर्ट लग रहे हैं, हो सकता है इधर की साइड टाइगर भी हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जा रहे हैं आगे जंगल की ओर। ये देखिए, ऐसे इनके पीछे पीछे आ जाता है टाइगर। ये देखिए, ये बार बार आगे की ओर देख रहे हैं, हो सकता है कि ये काफ़ी अलर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी लवली मूवमेंट है, और ये है सारा रिवर साइड का एरिया। ये भागे, ये भागे, ये भागे अंदर, और बार बार देख रहे हैं इधर की साइड, तो कहीं ना कहीं यहाँ अंदर टाइगर की मूवमेंट। तो चलते हैं यहाँ से निकल के, और ये सारा रिवर एरिया है, जब बरसातों में पानी आता है भयंकर, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे अगर निकलने की कोशिश करें तो वो बह जाती हैं। तो दोस्तों, ये सारा एरिया पूरा वाइल्ड लाइफ का एरिया है, यहाँ से निकल के चलेंगे और दिखाएंगे आपको क्या है जंगल में वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से निकल के कुछ ढेला जोन के मेन गेट तक, और वहीं से होती है ढेला जोन की सफारी। और अंदर की साइड दो गेट की एंट्री है, ढेला जोन और जिरना जोन। तो यहाँ से निकल के चलते हैं, इस घने जंगल को पार करेंगे। ये जंगल है लगभग 7 से 8 किलोमीटर का, तो आपको कराते हैं इस बफर जोन में जंगल सफारी। और लास्ट यहाँ से गांव जो पड़ेगा वो पड़ेगा ढेला गांव। तो चलते हैं यहाँ से निकल के, और इस क्षेत्र में दोस्तों टाइगर और लेपर्ड की ज़बरदस्त मूवमेंट रहती है, और कई बार हमने आपको यहाँ पे एलिफेंट भी के दर्शन भी कराए। एक बार यहीं बीच रोड पे एलिफेंट ने घंटों रास्ता जाम कर दिया था, वो था टस्कर एलिफेंट, काफ़ी बड़े बड़े उसके टस्क थे, और उसने बीच रोड में पूरी रोड ब्लॉक कर दी। तो चलते हैं यहाँ से निकल के कुछ आगे की ओर, और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम निकल के आए, जा रहे थे रोड साइड, और इधर की साइड ये देखिए, ये मिट्टी में दिखाई दे रहे हैं टाइगर के पगमार। तो हो सकता है कि वो रोड क्रॉस करके इधर से और फिर आया हो इधर की साइड, और यहाँ से निकल के अंदर जंगल की ओर। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े पगमार्क हैं, ये देखिए, और अंदर की साइड से आई कुछ कॉल की आवाज़। ये देखिए, काफ़ी बड़े बड़े पगमार्क दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि टाइगर क्रॉस करके इधर की साइड से और फिर गया इधर दूसरे एरिया में। ये देखिए, यहाँ से ये पगमार्क दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से निकल गया कुछ आगे की ओर। तो दोस्तों, यहीं से अभी अंदर की साइड से आ रही थी ज़बरदस्त कॉल की आवाज़, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ टाइगर या लेपर्ड की ज़बरदस्त मूवमेंट। ये पूरा एरिया अक्सर टाइगर ऐसे ही रास्तों पे चलना पसंद करता है। ये देखिए, यहाँ पूरे में टाइगर घूमा है, और यहाँ उसके काफ़ी ज़्यादा पगमार्क भी दिखाई दे रहे हैं।
ये देखिए इधर की साइड से कुछ मंकी निकल के आया, ये देखिए। दोस्तों निकल के चलते हैं कुछ और आगे। और ये पूरा घना जंगल तो आप देख ही सकते हैं कितना घना जंगल है। और इस घने जंगल में अक्सर वाइल्ड लाइफ क्रॉस करती रहती है रोड, क्योंकि दोनों साइड घना जंगल है तो एक साइड से दूसरी साइड निकल के जाती रहती है। तो यहाँ वाहन की स्पीड हमेशा स्लो रखें, क्योंकि अक्सर होता क्या है एक जगह से दूसरी जगह फटी वो है यार। तो दोस्तों अभी इधर की साइड दिखाई दिया हमें, दोस्तों इधर की साइड दिखाई दिया हमें एक येलो हॉर्नबिल, जिसे बर्ड्स में कुछ टाइगर के भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे येलो येलो कलर की पट्टियां पड़ी होती हैं, इसलिए इसे बर्ड्स की दुनिया में टाइगर कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों यहीं बैठा है, ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए जैसे जमीन पर टाइगर, ऐसे ही ये पक्षियों में टाइगर की इसे, ये देखिए। ये देखिए क्योंकि ये टाइगर की तरह लगता है, येलो कलर में इस पे धारियां सी पड़ी हुई हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन मूवमेंट है। ये देखिए क्या कलर आ रहा है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों निकल के चलते हैं और अंदर जंगलों में से आ रही है खतरनाक आवाजें। यहाँ से अभी लगभग 2-1 किलोमीटर का और जंगल बचा है और आगे काफी बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिम कॉर्बेट पार्क झिरना। तो यहाँ पे आगे ढेला और झिरना जोन का मेन एंट्री गेट है। और दोस्तों ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं यहीं पे अक्सर टाइगर क्रॉस करके यहाँ से निकलता है। ये देखिए कुछ और भी बोर्ड लगे हुए हैं, ये CTR वन क्षेत्र है, प्रवेश वर्जित है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गाड़ी पार्क करना, गाड़ी से उतरना, खाद्य सामग्री फेरना दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों यहाँ से चलेंगे कुछ और आगे। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से कुछ और आगे। और अभी पीछे की साइड दिखाई दिया था येलो हॉर्नबिल, येलो हॉर्नबिल जिसे बर्ड्स में टाइगर की उपाधि दी गई है, क्योंकि वो जो उस पर येलो कलर की उसका उस पर पट्टियाँ सी पड़ी होती हैं, तो जैसे नीचे टाइगर ऐसे ही बर्ड्स में उसे टाइगर कहा जाता है। और दोस्तों ये देखिए 4 टाइगर टेरेटरी में ये गाय घूमती हुई। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, अक्सर होता क्या है इन गायों पे भी टाइगर लेपर्ड कर देते हैं हमला। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, जंगल में अपने पालतू पशुओं को ऐसे खुला ना छोड़ें। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे रिवर साइड, ये देखिए ये वही रिवर साइड है जिधर अक्सर टाइगर साइटिंग शाम के वक्त हो जाती है। हाँ तो दोस्तों ये 4 टाइगर टेरिटरी में कुछ लोग घूमते हुए ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये देखिए बीच सड़क में ये चल रहे हैं और ये दोनों तरफ घना जंगल। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ढेला जोन के मेन गेट पे, और सामने की साइड है ढेला जोन का मेन गेट, ये देख सकते हैं आप। और यहीं से अक्सर जंगल सफारी, यहीं से होती है जंगल सफारी की शुरुआत। ये देखिए मंकी खाते हुए कुछ सड़क पर पापड़। तो दोस्तों ये सामने की साइड है मेन गेट और यहाँ रुकते हैं और दिखाते हैं आपको चारों तरफ का व्यू। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं ढेला गेट पे, ये देखिए आप ये ढेला गेट, और यहीं से शुरू होती है। ये देखिए ये कुछ ढेला एंट्री गेट और इधर की साइड 2 गेटों की एंट्री है, ढेला गेट झिरना जोन टूरिस्ट जोन। तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइम जंगल सफारी होती है, एक तो अर्ली मॉर्निंग और दूसरा इवनिंग में। तो दोस्तों ये है पूरा ढेला गेट का मेन व्यू और यहीं से शुरू होती है जंगल सफारी, और इधर की साइड बने हुए हैं फॉरेस्ट वालों के कॉटेज से। और ये देखिए यहाँ सब में लगी हुई इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ये आप देख ही सकते हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। और यही
जो येल्लो हॉर्नबिल बनी हुई है यही अभी हमें पीछे की साइड दिखाई दी थी। तो दोस्तों यहाँ से ये आप चारों तरफ का व्यू देख ही सकते हैं, और इधर की साइड सुबह यहीं से अंदर की ओर से मेन गेट के पास से ही टाइगर निकल के गया एक रोड क्रॉस करके दूसरे एरिया में। तो दोस्तों ये जो ढेला गेट है यहाँ सबसे ज़्यादा काफ़ी आजकल टाइगर साइटिंग भी चल रही है, तो और यहाँ पे फिर से शुरू हो चुकी है। वैसे तो ये बरसातों में ही बंद नहीं रहता, और इधर की साइड अब फिर से बरसातों के बाद साफ़ सफाई करके और फिर से शुरू हो चुकी है जंगल सफारी। तो दोस्तों ये रहता है साल के 12 महीने गेट ओपन। ये देखिए दोस्तों ये है पूरा कॉर्बेट का घना जंगल, और ये पूरा मैप बना हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जोन बने हुए हैं, ये गिरजिया जोन, झिड़ना जोन, और दोस्तों सारे जोनों का मैप है। और कुछ यहाँ आगे ये देखिए यहाँ सारा पूरा विवरण दे रखा है। ये देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थापना 8 अगस्त 1936 में हुई। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी तथा पर्यटन जेम्स कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ लिखी हुई काफ़ी सारी जानकारी, तो चलते हैं यहाँ से निकल के वापस अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और बाकी ये यहाँ का घना जंगल।